हेलो दोस्तों आपका अपनी रेल यात्रा में स्वागत है मैं भाविक आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर वन टू नाइन डबल टू यह ट्रेन फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है यह ट्रेन गुजरात के सूरत से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल तक चलती है यह ट्रेन दो राज्य को कनेक्ट करती है यह ट्रेन गुजरात के सूरत से निकलकर उधना जंक्शन नवसारी बिलुमरा जंक्शन वलसाड़ वापी बोरीवली इन बड़े स्टेशन होकर महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल तक चलती है इस ट्रेन का सूरत से डिपार्चर टाइम है सुबह के पाँच बजकर पाँच मिनट और मुंबई सेंट्रल में इस ट्रेन का एरेवल टाइम है उसी दिन सुबह के नौ बजकर पचास मिनट इस ट्रेन में आपको सिर्फ ऑनबॉर कैटरिंग की ही फैसिलिटी मिलेगी यह ट्रेन टोटल दो किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है यह ट्रेन हफ्ते के सातों दिन चलती है इस ट्रेन का टोटल जर्नी टाइम है चार घंटे पैंतालीस मिनट और इस ट्रेन में आपको एसी सी कार और सेकेंड सीटिंग इन दोनों की फैसिलिटी मिल जाएगी चलो बात करते हैं इस ट्रेन के फेर के बारे में मैं आपको इस ट्रेन का सूरत से लेकर मुंबई सेंट्रल तक का फेयर बताऊंगा। ईस्ट ट्रेन का एसी चेयर चेयरकार का सूरत से मुंबई सेंट्रल तक का फेयर है चार सौ रुपये और सेकेंड सीटिंग का फेयर है एक सौ रुपये ईस्ट ट्रेन के टोटल तेरह स्टॉपेज है चलो बात करते हैं ईस्ट ट्रेन के स्टॉपेज के नाम हॉल्ट और तो टाइमिंग के बारे में यह ट्रेन सूरत से सुबह के पाँच बजकर पाँच मिनट पर डिपार्चर होने के बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज है उजना जंक्शन जहां ये एक मिनट रुकती है उजना जंक्शन में इस ट्रेन का एरावल टाइम है सुबह के पाँच बजकर पंद्रह मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के पाँच बजकर सोलह मिनट इसका दूसरा स्टॉपेज है सचिन जहां ये एक मिनट रुकती है सचिन में इस ट्रेन का एरावल टाइम है सुबह के पाँच बजकर तेईस मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के पाँच बजकर चौबीस मिनट इसका तीसरा स्टॉपेज है मरोली जहाँ ये एक मिनट रुकती है मरोली में इस ट्रेन का एरावल टाइम है सुबह के पाँच बजकर पैंतीस मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के पाँच बजकर छत्तीस मिनट इसका चौथा स्टॉपेज है नवसारी जहाँ ये दो मिनट रुकती है नवसारी में इस ट्रेन का एरावल टाइम है सुबह के पाँच बजकर तिरपन मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के पाँच बजकर पचपन मिनट इसका पाँचवा स्टॉपेज है अमलसाड़ जहाँ ये दो मिनट रुकती है अमलसर में इस ट्रेन का अरेवल टाइम है सुबह के छः बजकर चौदह मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के छः बजकर सोलह मिनट इसका छठा स्टॉपेज है बिलीमोरा जंक्शन जहाँ ये एक मिनट रुकती है बिलीमोरा जंक्शन में ईस्ट ट्रेन का अरेवल टाइम है सुबह के छः बजकर तेईस मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के छः बजकर चौबीस मिनट इसका सातवां स्टॉपेज है वलसाड़ जहां यह दो मिनट रुकती है वलसाड़ में इस ट्रेन का अरावल टाइम है सुबह के छः बजकर पैंतालीस मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के छः बजकर सैतालीस मिनट इसका आठवां स्टॉपेज है वापी जहां ये दो मिनट रुकती है वापी में इस ट्रेन का अरावल टाइम है सुबह के सात बजकर छः मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के सात बजकर आठ मिनट इसका नौवा स्टॉपेज है दहनू रोड जहाँ यह दो मिनट रुकती है दाहानू रोड में ईस्ट्रेंड का अरावल टाइम है सुबह के सात बजकर चौवालीस मिनट और डिपाचर टाइम है सुबह के सात बजकर छियालीस मिनट इसका दसवां स्टॉपेज है पालघर जहां ये दो मिनट रुकती है पालघर में ईस्ट का अरावल टाइम है सुबह के आठ बजकर आठ मिनट और डिपाचर टाइम है सुबह के आठ बजकर दस मिनट इसका ग्यारहवा स्टॉपेज है बोरीवली जहाँ ये दो मिनट रुकती है बोरीवली में ईस्ट ट्रेंड का अरेवल टाइम है सुबह के नौ बजे और डिपार्चर टाइम है सुबह के नौ बजकर दो मिनट इसका बारवा स्टॉपेज है अंधेरी जहां यह दो मिनट रुकती है अंधेरी में इस ट्रेन का सुबह के नौ बजकर पंद्रह मिनट और डिपार्चर टाइम है सुबह के नौ बजकर सत्रह मिनट इसका आखिरी तेरवा स्टॉपेज है मुंबई सेंट्रल जहां ये सुबह के नौ बजकर पचास मिनट पे अरावल करती है और जर्नी करने से पहले इस ट्रेन की करंट प्राइस आप आई की वेबसाइट पर या टिकट काउंटर पर से पता कर ले और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ऑन करें और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद